आज की हमारी रेसिपी है मैंगो चोकोबार आइसक्रीम रेसिपी। बहुत ही यम्मी और बिना मोल्ड के घर पे रखे पेपर कप से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट को इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया दोस्तों, और इसे हम एक क्लीन और सूखे बॉल में निकाल लेंगे। आप यहाँ पे डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। इसके बाद मैंने नीचे कटोरी में खौलता हुआ पानी रखा है, और ऊपर का जो कटोरी ना दोस्तों, नीचे वाले गर्म पानी से छूना नहीं चाहिए, जस्ट उसके भाप में ही हमारा चॉकलेट मेल्ट होगा। तो डबल बॉइलिंग मेथड से हम इस चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। हम सभी को ये मेल्ट करना आता है। हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको मेल्ट होने में। अगर आपने चॉकलेट को बहुत बारीक बारीक काटा है तो बहुत ही जल्दी और फटाफट से ये मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। थोड़ा सा जस्ट बचा है, 1 मिनट में ये और मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये मेल्ट हो गया है। दोस्तों अगर आपका नीचे का जो बॉल का पानी है वो ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा गर्म कर ले, फिर अपने चॉकलेट के बॉल को रख के इसको मेल्ट कर ले। तो इसी मेथड को यूज़ करके मैंने मेल्ट कर लिया, बिल्कुल ही परफेक्ट मेल्ट हुआ है। और अभी ये काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा हम इसे ठंडा कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास इस तरीके का पेपर कप होता है जिसमें हम चाय वगैरह सर्व करते हैं मेहमान आने से, यूज़ एंड थ्रो रहता है। तो इस तरीके के पेपर कप अगर आपके पास है तो बड़ी आसानी से आप इन चॉकलेट के आइसक्रीम्स को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद मैंने ऊपर से डाल लिया, और इस तरीके से घुमाते हुए हमें चारों तरफ से इस चॉकलेट को लगा लेना है। दोस्तों चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला था। अगर आप उसमें पानी डाल देंगे या फिर दूध डालेंगे मेल्ट करने के लिए, तो वो हार्ड होने की जगह नरम पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद चॉकलेट का मोटा लेयर हमें पूरे कप के अंदर लगा लेना है। तो इसी तरीके से दोनों कप को हमें रेडी कर लेना है। अब आप देख सकते हैं दोनों कप को मैंने अच्छे से रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए 10 मिनट रख देना है। तो इसे मैं अब रख दूंगी। इस बीच मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ नेक्स्ट तैयारी, मैंगो का आइसक्रीम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा मैंगो लिया है, और इसके दोनों पार्ट को काटते हुए इस तरीके से अगर आप मैंगो को कट करेंगे तो बड़ी आसानी से इसका देखिए टुकड़ा टुकड़ा कट के तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से इस मैंगो को आप काट लें। मैंगो हमारा तैयार है, इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पे एक मोटे तले वाला पैन लिया है, मैंने नीचे से फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है। सबसे पहले आधा कप दूध डाल दिया है मलाई वाला, इसके बाद मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार चीनी डाला है, 1 से 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है। हम यहाँ पे किसी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर में रखे ही दूध से हम इस आइसक्रीम को बनाएंगे। अब मैं नीचे से गैस ऑन कर लूँगी, अच्छे से मिला लेना है हमें, उसके बाद ही गैस को ऑन करना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर क्या होता है नीचे जाके बैठ जाता है और क्या होता है गुठली जमने लग जाता है। इसके बाद इस दूध को हमें कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। 2 से 3 मिनट में लो फ्लेम में आप इसे पकाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आपने जो दूध डाला था वो काफ़ी पतला था, लेकिन 3 से 4 मिनट बाद वो दूध बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल ही क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है बहुत ही गाढ़ा हो गया, बिल्कुल ही तैयार है। नीचे से मैं गैस ऑफ कर लूँगी और इसे हमें पूरी तरीके से पहले ठंडा कर लेना है। अब एक मिक्सिंग जार में हमने जो आम काट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें जो हमने दूध तैयार करके रखा था उसको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है, उसे भी हमें इसमें डाल देना है। और 1 से 2 रोटेटिंग में हमें इसे चला के बिल्कुल ही स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो मैंने अच्छे से इसे पीस लिया, और देखिए बिल्कुल ही गाढ़ा हमारा मैंगो का जो पल्प है उसके साथ दूध तैयार है। इसे अच्छे से मिला ले आप, और देखेंगे आप बिल्कुल ही स्मूथ इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद हमने जो चॉकलेट मोल्ड बना के रखा था वो अच्छे से जम गया है। अब हम ऊपर से मैंगो का जो पल्प बनाए थे उसे हमें डाल देना है। दोस्तों अगर ये दूध थोड़ा सा भी गर्म रहा और मैंगो पल्प गर्म रहा और इसे आप गर्मा गर्म अगर इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और अंदर का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस पल्प को पूरी तरीके से ठंडा कर ले उसके बाद ही आप इसे डालें। तो देखिए मैंने पूरी तरीके से इसे डाल दिया है। अब हमें इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। आधे घंटे बाद हमने इस आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब हम इसमें हमारे पास आइसक्रीम स्टिक है उसे डाल देंगे और फिर से इसे
7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे हो गए हैं दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से हमारा आइसक्रीम जम के तैयार हो गया है, बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है। तो चलिए इसे अब डिमोल्ड कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, साइड से बड़ी सावधानी से इन पेपर कप को हमें इस तरीके से खोल लेना है। देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से आपको घुमाते हुए इन आइसक्रीम के मोल्ड को खोल लेना है। और देखिए बिल्कुल ही तैयार है, बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल मैंगो चोकोबार आइसक्रीम, जो घर पे बड़ी आसानी से बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी।